हेलो गाइस, दिस इज़ फॉर्जा 300। एक्चुअली ये मोटो स्कूटर और यू कैन से ये मैक्सी स्कूटर इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है होंडा की तरफ से। सो दिस इज़ जस्ट फॉर शोकेस एट बिगविंग गुड़गांव। सो इसके फीचर्स भी मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग स्कूटर एंड फ्रंट हेडलाइट इज़ कम्प्लीट LED। जो टायर है फ्रंट में, दिस इज़ 15 इंचर 120 सेक्शन का टायर है। पीछे टायर 14 इंचर हो जाता है 15 की जगह एंड द सेक्शन इज 140। दिस इज़ अ 25 BHP स्कूटर। दिस इज 279 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एंड द टॉर्क इज 27.2 Nm। सो पावरफुल है एंड इंडिया में अवेलेबल नहीं, आई नो, बट लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। टायर्स आर फ्रॉम, लेट मी सी विच ब्रांड इज दिस, दीज आर IRC टायर्स। ओके फाइन। सो उसके साथ में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो मतलब आपको सीट बहुत स्पेशियस दिखाई देगी इसकी एंड इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है जो विंडस्क्रीन है। सो ये जो बटन है इससे हम लोग ऑन करते हैं स्कूटर को। सो लाइक दिस। उसके बाद में जो विंडस्क्रीन है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सो लाइक दिस यू कैन टेक इट डाउन। बहुत स्मूथ ऑपरेशन है इसका, लाइक दिस। दिस इज़ द इंजन किल स्विच एंड दिस इज़ द हजार लाइट स्विच, दिस इज़ द स्टार्टर स्विच। उसके साथ में ये विंडस्क्रीन एडजस्ट करके मैंने आपको दिखाई अभी। उसके साथ में ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो तीन लाइन्स के अंदर दिखाई देगी आपको। सो इन्फो ए मीन्स द फर्स्ट लाइन विल चेंज। सो इस वाले बटन से फर्स्ट लाइन चेंज होगी एंड देन इन्फो बी के हिसाब से द सेकेंड लाइन विल चेंज। तो ये वाले स्टैट्स चेंज होंगे सेकेंड बटन से। ये इंडिकेटर स्विच है, ये हॉर्न स्विच है एंड उसके साथ में ये हाई बीम लो बीम एंड दिस इज़ दी होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल। सो ये था इस स्कूटर में। देन दिस इज़ दी रियर ब्रेक, दिस इज़ दी फ्रंट ब्रेक। उसके साथ में आपको अगर सीट को ओपन करना है तो पहले इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा, देन यू कैन ओपन द सीट। सो सीट के नीचे दो फुल फेस हेलमेट रखने की पूरी पूरी जगह है इसके नीचे एंड उसके साथ में ये फ्यूल फिलर है, तो फ्यूल फिलर आप ओपन करोगे ऐसे। सो मेन चीज़ इज, अब इग्निशन ऑफ करने के बाद में ये सेफ्टी फीचर्स होते हैं इस तरह के। सो नाउ इट्स ऑफ कम्प्लीटली। तो ये था यार ये स्कूटर। इसमें दो फुटरेस्ट होते हैं, जैसे इफ़ यू आर राइडिंग नॉर्मली देन यू विल पुट इट हियर, अगर आप टूर कर रहे हो तो यू विल पुट द फिट हियर। सो सिंपल येट इफ़ेक्टिव। उसके साथ में ये मिरर्स जो हैं ये भी मैनुअली एडजस्टेबल हैं, सो यू कैन एडजस्ट एज पर यू एंड डिस्टर्ब नहीं होने वाले बिकॉज दीज आर वेरी स्टिफ। तो पीछे हम लोग को मिलते हैं दो शॉक्स एंड ट्रैवल काफ़ी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है एंड फुल साइज एग्जॉस्ट कैन एंड फ्रंट में है LED हेडलाइट। सो लेट मी शो यू द LED हेडलाइट एज वेल। सो ये है इसकी LED हेडलाइट, फुल यूनिट है जो वो LED है। देन होंडा की जो बाइक्स हैं मोस्टली ये ऐसे स्टैटिक रहेगा। अमेरिका में मैंने देखा है कि ये इस तरह से बल्ब स्टैटिक रहते हैं जब तक आप इंडिकेटर्स प्रेस नहीं करोगे। सो जैसे ही आप इंडिकेटर्स ऑन करोगे तो ये ब्लिंक करने लगेंगे, दूसरा स्टैटिक ही रहेगा। एंड इसका ये है हाई बीम, सो दिस इज़ हाई बीम। तो ये वाला जो सेक्शन है दिस विल रन फॉर हाई बीम, अदरवाइज दीज आर DRLs एंड दीज आर लो बीम्स। सो ये थे सारे के सारे फीचर्स फ्रॉम फॉर्जा एंड अभी इसका कोई प्लान नहीं है, बट मे बी होंडा इज़ प्लानिंग समथिंग, सम स्मॉल फॉर्जाज लाइक 150 और समथिंग, बट अभी नो इन्फॉर्मेशन, सो आई कांट से। यू जस्ट आस्क अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। सो मैंने बताया फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है, दिस इज़ अ निसन कैलिपर। सो दिस इज़ अ 2-piston निसन कैलिपर, ड्यूअल चैनल ABS एंड बहुत कंफर्टेबल स्कूटर है फॉर श्योर। सीट्स हैं जो, दीज आर बिग 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 सीट्स। सो ये था फॉर्जा 300 फॉर यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।